देख सकते हैं गांव का बच्चा लोग है, छोटा छोटा एकदम गाय चराने के लिए, देख रहे हैं कितनी कितनी गाय, सब गाय चराने के लिए जा रहा है, भैंस चराने के लिए जा रहा है। ये हमारे गांव का ये भविष्य है आगे। हाय गाइज, आज बहुत गर्मी है और बहुत धूप ही है, और इस धूप में आज गांव की एक रहस्य वाली बात मैं करने वाला हूँ। एक छोटे बच्चे का इंटरव्यू लूंगा जो कि भैंस चराता है, वो भी इतनी कड़क धूप में। चलिए आज उससे बात करते हैं, जानते हैं। ये गांव ये बिहार में है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और यहाँ का यही हाल है। रोजगार नाम पे बहुत कुछ, यहाँ क्या बोलूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। तो चलिए इस बच्चे का मैं इंटरव्यू लेता हूँ। पढ़ने की उम्र में वो भैंस गाय चढ़ाता है इस गर्मी में, और वो वहीं जा रहा था गमछा लेके, तो मैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए रोक लिया। गाइस, आप कितना साल से गाय भैंस चढ़ा रहे हैं बाबू? बचपन से, 6 साल से। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था वही बच्चा है जिसका मैं आज इंटरव्यू ले रहा हूँ, गाय भैंस चराने जा रहा था, वो भी इतनी गर्मी में, धूप में। देख सकते हैं गाइस कितना गर्मी है, धूप है, और ये लड़का अभी जा ही रहा था गमछी टांग के, दियरा जा रहा था इतनी गर्मी और धूप में गंगा जी के उस पार, मतलब गंगा जी सूख चुकी है बालू में, उस पार जाते हैं लोग। आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? पैसा नहीं, मतलब आप पैसा कारण, पैसा कारण। और ये सब कब तक चलेगा आपको खुद से? आप देखे सरकारी स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? सरकारी स्कूल में तो सरकार पैसा देती है, पढ़ने का व्यवस्था देता है, 300 रुपया देता है, 500-600, इतना में क्या होगा। लेकिन फिर भी ये गर्मी में धूप में आप क्यों नहीं बोलते अपने पेरेंट्स से, मतलब आवाज उठाइए, बोलिए कि नहीं पढ़ने का उम्र है, पढ़िएगा नहीं तो कैसे बड़ा बड़ा आदमी बनिएगा? पैसा रहेगा तब ना, पैसा रहेगा तब गाय भैंस चढ़ा के बड़ा आदमी बनिएगा। और आपके साथ कितना लोग, आपके उम्र का भी जाता है और बहुत छोटा छोटा बच्चा भी सब जाता है? छोटा छोटा 5 साल का बच्चा जाता है, बहुत सब 8 साल का, 9 साल का बच्चा जाता है भैंस चराने, मतलब यही सब चलता है खाली वहाँ। 30-60 से ऊपर बच्चा होगा, 30 या 60 सब बच्चे लोग जाता है, स्कूल कोई नहीं जाता है। और यहाँ पे जो स्कूल का टीचर लोग है बच्चा को ढूंढने भी नहीं आता, मतलब यहाँ का जो भी अध्यक्ष उध्यक्ष बनाया गया बच्चा को लाने का जिम्मेदारी वो लोग कोई कुछ नहीं करता। टीचर है बहुत गंदा टीचर है, लोग पढ़ाता है कि नहीं स्कूल में? एक पढ़ाता है, खिलाता। स्कूल जाते हैं एको दिन? हम जाते हैं शनिवार को। देखा है इस बच्चा का दर्द, यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं होता है। और मैंने आपको एक वीडियो का क्लिप भी दूंगा जहाँ पे बच्चे लोग गाय चराने जा रहे हैं, वो लास्ट इस वीडियो के क्लिप में मैं ऐड करने वाला हूँ। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कि मेरी बात जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DM, IAS, SSP जितने भी हैं अधिकारी और MLA, MP सब तक पहुँचे। मैं बिहार राज्य से, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से, मनिहारी से बोल रहा हूँ, कांटागो से गाँव है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी से एक ही होप रखता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाया जाए। यहां का जो भी साधन है बहुत खराब है, यहां पे रोजगार नाम का कुछ नहीं है, यहां पे लोग ट्रेन में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बोतल बेचने का काम करते हैं या गाय चढ़ाने का काम करते हैं। तो ये सब जो है बहुत ही गलत हो रहा है, और इस चीज़ को, समाज को सुधारने के लिए जो सरकार इतनी मुहिम चला रही है, तो इस पहले हमारे जनरेशन, यंग जनरेशन को सुधारने के लिए वो मुहिम जो चलाना चाहिए था उनको, वो अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उन तक ये बात पहुंचाने का काम करें आप लोग। धन्यवाद, जय हिंद। एकदम गाय चराने के लिए, देख रहे हैं कितनी कितनी गाय, सब गाय चराने के लिए जा रहा है, भैंस चराने के लिए जा रहा है। ये हमारे गाँव का यही भविष्य है आगे, भैंसे गाय चराते रह गया है सब, दिख रहा होगा। अब हम लोग फाइनली जहाँ निकले थे मंदिर आने के लिए।